अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर मुंबई के कांदिवली में नव दिव्यांग फाउंडेशन की तरफ से स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। इस स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम में एक दर्जन से ज्यादा खेलों में दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में महिला बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने दिव्यांग बच्चों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्ष के प्रमुख मंगेश चिवटे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने आज ही दिव्यांग मंत्रालय बनाने का ऐलान किया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मंगेश चिवटे ने कहा कि समाज को भी अब आगे आना चाहिए, ताकि इस तरह के बच्चों को समाज में बराबर की हिस्सेदारी मिल सके। हर साल 3 दिसंबर को पूरे विश्व में विकलांग दिवस मनाया जाता है। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिव्यांग बच्चों की समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र में दिव्यांग मंत्रालय बनाने का ऐलान किया था, जिससे दिव्यांग बच्चों के हक को ज्यादा मजबूती से लड़ा जा सके। बहुत सारी हमारे करीबन 4 या 5 सेंटर्स चल रहे हैं आज की तारीख में। वी आर हैविंग मोर देन 160 to 200 स्टूडेंट्स, और इन लोगों को वोकेशनल पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े रह सके और अपने ही दम पर कुछ पैसा कमावे, ताकि वो लाइफ टाइम डिसेबिलिटी के तरीके से किसी और पर ना डिपेंडेंट रहे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगने वाली चीज़ों के बारे में हम इनको पढ़ाते हैं, हमारे पास रखते हैं, और इन लॉन्ग टर्म हम एक हॉस्टल बनाने का सोच रहे हैं, जहाँ इन बच्चों को हम रखेंगे अपने पास ही, और इनके लिए कुछ बहुत सारी सुविधा वोकेशनल करेंगे, जहाँ ये लोग अर्न करेंगे और इनकी बनाई हुई चीज़ें हम मार्केट में बेचेंगे, ताकि इनको रेवेन्यू मिल सके। नमस्कार, आज 3 दिसंबर जागतिक विकलांग दिन, और आज महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो पूरे देश के अंदर प्रथम स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय की स्थापना करने जा रहा है। आज ही राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब की ओर से इस स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय का निर्माण होगा, और आज इसी विकलांग दिवस के अवसर पर मुझे नव दिव्यांग फाउंडेशन के आदरणीय मुथा जी, भागवत जी, कामली जी ने न्योता दिया कि जो ऑटिज़म बच्चे हैं, जो सुमग्न बच्चे हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन आज कांदिवले में रखी गई है, वहाँ पर आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे हिस्सा लेने के बाद मुझे बहुत सारी भावनाएं इकट्ठा महसूस करने को मिली, जो जिस प्रकार की कठिन परिस्थिति में ये दिव्यांग और स्वमग्न बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज ने ऐसे सारे बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी अपने समाज का ही एक हिस्सा है। और आज मैं विनम्रता से कहूँगा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे साहब की और फडणवीस जी की सरकार इन जो ऑटिज़म बच्चे हैं, स्वमग्न बच्चे हैं, इनके लिए कि रोज़गार कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, इनके लिए शिक्षा में किस प्रकार से आरक्षण किया जा सकता है, इनको मेनस्ट्रीम में आने के लिए किस किस प्रकार से योगदान दिया जा सकता है सरकार की ओर से, उसका पूरा प्रयास करेगी। इसके बावजूद हमारा जो शिवसेना मेडिकल हेल्प सेल है और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन है, जो लोकप्रिय सांसद खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी चलाते हैं, इस फाउंडेशन के माध्यम से जो कुछ किसी प्रकार का सहयोग देने की आवश्यकता है, वो सारा सहयोग, सारी सहायता हम आने वाले दिनों में दिव्यांग फाउंडेशन, नव दिव्यांग फाउंडेशन को करेंगे। और ये जो समाज में ऑटिज़म स्वमग्न बच्चे हैं, उनके लिए जो जो प्रकार की सहायता करने की आवश्यकता है, जो जो प्रकार की मदद चाहिए, वो सारी मदद, सारी सहायता हम करने के लिए तैयार है। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।